नवनीत राणा ने कहा कि उनके पिछड़ा वर्ग होने के कारण उनके साथ अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया है। यह आरोप लगाते हुए उन्होंने शिवसेना नेता संजय राउत के खिलाफ एट्रोसिटी के तहत मामला दर्ज करने की मांग की है। राणा की ओर से उनके निजी सहायक विनोद गुहे ने इस मांग का ज्ञापन मंगलवार को पुलिस आयुक्त मितेश कुमार को सौंपा। सांसद राणा की ओर से दिए गए इस दो पन्ने के ज्ञापन में 2014 से लोकसभा चुनाव से लेकर कई संदर्भ दिए गए हैं। इसमें उन्होंने शिवसैनिकों की ओर से झूठे प्रकरण दायर किए जाने का उल्लेख भी किया है। आवेदन में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि शिवसेना नेता राउत ने कुछ चैनलों में दिए गए इंटरव्यू में हम दंपति को बार बार बंटी बबली 420 के रूप में संबोधित करते हुए सामाजिक बदनामी की है। मुंबई के खार स्थित निवास स्थान पर शिवसैनिकों को भेजकर हमें रोकने का प्रयास किया गया और जान से मारने की धमकी भी दी गई। इस ज्ञापन के साथ ही पुलिस आयुक्त को सबूत के तौर पर एक पेन ड्राइव दी गई है। इस पर पुलिस आयुक्त मितेश कुमार ने तथ्य खंगाल कर पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी ऐसी प्रतिक्रिया दी। उसको हम कायदा के तहत देख करके और पुलिस विभाग उसमें कैसे साथ शामिल हो सकता है उसको हम जरूर एक्सप्लोर करेंगे। चौकसी कर रहे हैं, चौकसी के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। किस तरीके की उन्होंने कंप्लेंट दर्ज कराई है वो अभी हम चौकसी कर रहे हैं, हम डिटेल आपको बताएंगे। खासदार संजय राउत यांनी नागपूर येथे जी पत्रकार परिषद घेतली त्यामध्ये त्यांनी खासदार नवनीत रवी राणा आणि आमदार रवी राणा यांना आम्ही 20 फूट गड्ढ्यात गाळून टाकू आणि त्यांनी आपल्या गोऱ्या स्मशानात रचून ठेवल्या पाहिजे असं म्हटलं होतं। त्याचप्रमाणे खासदार संजय राऊत यांच्या चिथावणीवरून शिवसेनेच्या एका कार्यकर्त्याने खासदार नवनीत राणा यांना चोर चांबार असे संबोधित आहे। खासदार संजय राऊत यांना पूर्णपणे माहीत आहे की खासदार नवनीत राणा या दलित आहेत आणि त्या राखीव मतदारसंघातून निवडून आलेले आहेत। असे असतानासुद्धा त्यांनी खासदार नवनीत राणा यांना बंटी बबली असे म्हणून संबोधले, तसे 420 सुद्धा म्हटले। एका दलित महिलेच्याबद्दल असे अपमानास्पद उद्गार खासदार संजय राऊत यांनी काढले म्हणून त्यांच्यावर अनुसूचित जाती जनजाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याखाली गुन्हा नोंदविण्यात यावा याकरिता आज आम्ही नागपूरचे पोलीस आयुक्त श्री अमितेश कुमार यांची भेट घेतली व त्यांना खासदार नवनीत राणा यांच्या सहीनिशी तक्रार दाखल केली। लव्ह यू दीपिका, बाय। सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि।